चुनाचे परवरदिगार आलम क़यामत के दिन अपनी जलाल के अंदर गालिब होंगे और अल्लाह की जलाल इतनी ज्यादा होगी कि जितने लोग होंगे वो इस शख्स की वजह से तंग आ जाएंगे। लिहाजा वो दुआ करेंगे ऐ परवरदिगार हमारा हिसाब ले लिया जाए, हमें पता चले जन्नत में जाना है या जहन्नम में जाना है, हमसे ये सख्ती बर्दाश्त नहीं हो रही। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तमाम उम्मत तमाम लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ ले जाएंगे और ये फरमाएंगे ऐ हमारे जद्दोजहद आप परवरदिगार आलम से हमारी सिफारिश फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हिसाब किताब का मामला शुरू करें ताकि इस सख्ती से हमारी जान छूटे। आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि नहीं मुझसे एक भूल हुई, मैंने गंदम का दाना खा लिया था, अगर परवरदिगार आलम ने मुझसे सवाल कर लिया तो मेरा क्या बनेगा। आदम अलैहिस्सलाम सिफारिश करने से इनकार कर देंगे, तमाम लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास आ जाएंगे और ये कहेंगे आप आदम सानी हैं, आप ही परवरदिगार आलम के सामने हमारी सिफारिश फरमा दें, हमसे ये सख्ती बर्दाश्त नहीं हो रही। नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि मुझसे भी एक गलती हुई थी, जब तूफान आने वाला था तो परवरदिगार आलम ने फरमाया था मैं तुम्हारे अहल को बचाऊंगा और मेरा बेटा क्योंकि नाफरमान था मैंने उसके लिए सिफारिश कर दी। परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इंतहाई अजीब अंदाज से डांटा और ये फरमाया ऐ नूह वो तुम्हारे अहल में से नहीं था, उसके अमल से नहीं थे, हमारे से जाहिलों वाली बातें न करना, अगर ऐसा करोगे हम नबूवत से तुम्हें महरूम कर देंगे। इस बात के बाद नूह अलैहिस्सलाम ने रोना शुरू कर दिया, उनका असल नाम अब्दुल गफ्फार था, इसके बाद इतना रोया करते कि नूह उनका नाम पड़ गया, नूह नोहा से निकला है यानी रोने वाला आहो भुका करने वाला। चाहे नूह अलैहिस्सलाम की सिफारिश करने से इनकार कर देंगे, तमाम लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाएंगे और ये फरमाएंगे ऐ कलीमुल्लाह आप ही हमारी सिफारिश फरमा दें, मगर वो ये भी फरमाएंगे कि आज मैं सिफारिश नहीं कर सकता, मुझसे भी एक गलती हुई थी, मैंने किसी को एक मुक्का मारा था लिहाजा मेरे मुक्के की वजह से वो बंदा मर गया, अगर परवरदिगार आलम ने मुझसे सवाल कर लिया तो मेरा क्या बनेगा। तमाम लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास भी आएंगे मगर वो भी सिफारिश करने से इनकार कर देंगे। ईसा अलैहिस्सलाम बिलाखिर फरमाएंगे आज अगर परवरदिगार आलम के सामने कोई सिफारिश करेगा तो वो अल्लाह के प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा होंगे, तुम सब लोग उनके पास चले जाओ और उन्हीं के सामने अपनी दरख्वास्त पेश करो। तमाम लोग नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में तशरीफ लाएंगे, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं लंबा सजदा करूंगा, ऐसा लंबा सजदा करूंगा उसके अंदर परवरदिगार आलम की ऐसी तारीफ करूंगा कि ऐसी तारीफ मुझसे पहले न किसी ने की होगी और न मेरे बाद कोई करेगा। बिलाखिर परवरदिगार आलम फरमाएंगे या मुहम्मद ऐ मुहम्मद सर को उठाइए जो मांगे दिया जाएगा। नबी सलाम फरमाएंगे मैं कहूंगा उम्मती उम्मती ऐ अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत, उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम दोबारा सजदा करेंगे, परवरदिगार आलम दोबारा फरमाएंगे ऐ मेरे हबीब अपने सर को उठाइए मांगिए जो मांगेंगे अता किया जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाएंगे ऐ अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत, नबी अलैहिस्सलाम तीसरा सजदा करेंगे। बिल्कुल फरमाते हैं अंबियाए किराम मिंबरों के ऊपर तशरीफ फरमा होंगे, नबी अलैहिस्सलाम के लिए भी एक मिंबर पेश किया जाएगा लेकिन नबी अलैहिस्सलाम उसके ऊपर बैठेंगे नहीं बल्कि फकत हाथ रखेंगे और ये समझेंगे कि कहीं ऐसा ना हो मैं मिंबर के ऊपर बैठूं और मिंबर उड़ा के मुझे जन्नत में ले जाए और मेरी उम्मत पीछे रह जाए। नबी अलैहिस्सलाम अपना हाथ रखेंगे अपनी गुनाहगार उम्मत के लिए
सिफारिश करेंगे, परवरदिगार आलम फरमाएंगे कि ठीक है अपनी उम्मत को हिसाब किताब के लिए पेश करें। प्यारे आका अलैहि सलाम सबसे पहले सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह से फरमाएंगे, अबू बकर हिसाब किताब के लिए आगे हो जाओ। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह फरमाएंगे, प्यारे करीब अलैहि सलाम मैं अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में मुसलमान हुआ, मेरी जिंदगी का अक्सर हिस्सा तो वो है जो इस्लाम से पहले का है, आप किसी और से अर्ज कर दें। नबी अलैहि सलाम फरमाएंगे कि नहीं अबू बकर, आज तुझे हिसाब के लिए पहले जाना है। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के सजदे के अंदर गिर जाएंगे, परवरदिगार आलम अबू बकर सिद्दीक का नाम आमाल देखेंगे, इतना खुश होंगे कि परवरदिगार आलम का जलाल जमाल के अंदर बदल जाएगा। फिर उसके बाद परवरदिगार आलम सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह से फरमाएंगे, उमर आप हिसाब के लिए आगे हो। उमर फारूक रज़ी अल्लाह फरमाएंगे, ऐ अल्लाह के प्यारे करीम अलैहिस्सलाम मैं हिसाब लेने का अहल नहीं हूँ। नबी अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, उमर आज तुझे हिसाब देना है। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह हिसाब देने के लिए आगे हुए, परवरदिगार आलम फरमाएंगे अस्सलामु अलैकुम या उमर। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह से सलाम करेंगे, जरा सोचिए उनका नाम आमाल कैसा होगा कि परवरदिगार आलम उन्हें सलाम पेश करेंगे। फिर उसके बाद सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को पेश किया जाएगा, फिर उसके बाद सैयदना अली करीम अल्लाह को पेश किया जाएगा। इनके नाम आमाल को देख के परवरदिगार आलम इतने खुश होंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अंदर सिफत जमाल का गलबा होगा। ने फरमाया कि परवरदिगार आलम की रहमत का इतना ज़हूर होगा, इतना ज़हूर होगा कि एक लम्हा ऐसा आएगा कि शैतान भी अपना सर उठा के देखेगा कि शायद आज मेरी बख्शिश और मग़फ़िरत कर दी जाती है। परवरदिगार आलम की रहमत का इंसान अंदाजा कर सकता है, जो आज हिसाब किताब हो जाए नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत भूल सारी कर देंगे, चुनाचे गुनाहगारों को जहन्नुम के अंदर डाल दिया जाएगा। ऐसा गुजर जाएगा जब गुनाहगार अपनी गुनाह की सजा को भुगत लेंगे, परवरदिगार आलम गुनाहगारों को निकालने का इरादा फरमाएंगे और एक हीला करेंगे। वो हीला क्या होगा कि मुसलमानों और काफिरों के दरमियान जहन्नुम में जो दीवार होगी उसे ट्रांसपेरेंट कर देंगे। जब काफी इन मुसलमानों को देखेंगे और ये कहेंगे, क्या मुसलमानों तुम तो अल्लाह पे ईमान लाते थे, अल्लाह के रसूल को भी मानते थे, तुम्हारा ईमान तुम्हें न बचा सका, क्या तुम्हारा ईमान तुम्हें कोई फायदा न दे सका, लिहाजा काफी मुसलमानों को मोमिन होने का ताना देंगे। जब मोमिन काफिरों की जुबान से ताना सुनेंगे वो रोना शुरू कर देंगे, इतना रोएंगे परवरदिगार आलम इल्म के बावजूद सैयदना जिब्राइल अमीन से फरमाएंगे कि जिब्राइल ये जहन्नमियों ने क्या शोर मचा रखा है, जरा जाओ इनके अहवाल को मालूम करके आओ। जिब्राइल अमीन जब तशरीफ लाएंगे, जिब्राइल अमीन को जब गुनाहगार देखेंगे तो इन्हें नबी अलैहिस्सलाम याद आ जाएंगे और ये फरमाएंगे कि ऐ जिब्राइल आप जाए नबी अलैहिस्सलाम की याद करें कि आप हम गुनाहगारों को कबूल भूल गए, हम तो जहन्नुम में जल रहे हैं। जिब्राइल अमीन वादा करके तशरीफ ले जाएंगे, परवरदिगार आलम फरमाएंगे कि जिब्राइल इन गुनाहगारों ने क्या कहा, जिब्राइल अमीन फरमाएंगे मैं उनसे वादा करके आया हूँ कि मैं उनके हालात नबी अलैहिस्सलाम से जाके अर्ज करूँ। परवरदिगार आलम फरमाएंगे कि जाओ जिब्राइल फिर अपना वादा पूरा करके आओ। नबी अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर अंबिया इकराम के साथ एक दावत के अंदर तशरीफ फरमा होंगे, जिब्राइल अमीन को अचानक देखेंगे, फरमाएंगे कि जिब्राइल आज कैसे आना हुआ। जिब्राइल अमीन फरमाएंगे ऐ अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम आपकी उम्मत के कुछ गुनाहगार जहन्नम में हैं, मैं उनके बारे में आपको खबर देने आया हूँ। जब नबी अलैहिस्सलाम को पता चलेगा आप अलैहिस्सलाम हैरान होंगे, ओहो मेरी उम्मत के कुछ गुनाहगार अभी भी जहन्नम में हैं, मुझे तो याद ही नहीं रहा। क्योंकि नबी तमाम अंबिया इकराम चलेंगे, ये बारात चलेगी जिसका दूल्हा प्यारे सलाम होंगे, जन्नत चलेंगे इन गुनाहगारों की सिफारिश करने, इनकी सिफारिश की जाएगी, इनको जहन्नम से निकाल दिया जाएगा।
जाएगा। परवरदिगार आलम आप हयात के अंदर इन्हें गुसल दिलवाएंगे, इनकी जवानियां वापस लौट आएंगी। परवरदिगार आलम इनकी पेशानी को एक थप्पड़ लगवाएंगे जिस पे लिखा होगा तका रहमान, ये रहमान के आजाद करता है, यानी ये रियायत के पास है, इनको जन्नत में भेज दिया जाएगा। जब जन्नती इन्हें देखेंगे इनकी पेशानी को देख के हंसेंगे, इन्हें ये कहेंगे हम तो हैं पास और तुम रियायत के पास, तुम्हारी परेशानी पे तका और रहमान का थप्पड़ लगा है। ये जन्नती परवरदिगार आलम से अर्ज करेंगे, ऐ परवरदिगार जब आपने हमें जन्नत में भेज दिया अब इस थप्पे को भी दूर फरमा दीजिए। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने फरमाया परवरदिगार आलम थप्पे को भी दूर फरमा देंगे। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने ये वाकया नकल करने के बाद आखिर में ये दुआ फरमाते हैं, ऐ परवरदिगार मुझे तका और रहमान में शामिल फरमा। अल्लाह इतनी बड़ी शख्सियत अपने बारे में क्या फरमा रहे हैं, गोया अपने अमल पे भरोसा नहीं, परवरदिगार आलम की रहमत का सहारा, अमल से अपने असास क्या है, वजूद नदामत के पास क्या है, रहे सलामत तुम्हारी बस मेरा तो बस आसरा है। नबी अलैहिस्सलाम की रहमतुल्लाह अलैहि का तस्करा सुना, अब आप तस्वीर का दूसरा रुख भी देखिए। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन कुछ लोग मेरे पास आएंगे और मुझे कहेंगे ऐ अल्लाह के प्यारे करीम अलैहिस्सलाम हमारी सिफारिश फरमा दे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं उन्हें कहूंगा सुस्कन सुस्कन दफा हो जाओ दफा हो जाओ। ये कौन लोग होंगे जो दुनिया में नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक सुन्नतों से मुंह मोड़ते होंगे, क़यामत के दिन जब प्यारे आका अलैहिस्सलाम के पास सिफारिश के लिए जाएंगे, नबी अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि जाओ दफा हो जाओ, दुनिया में जिनके तरीके पे चला करते थे उन्हीं से सिफारिश करवाते फिरो। अंदाजा लगाए अगर नबी अलैहिस्सलाम ने हमें ये फरमा दिया हमारा क्या बनेगा। आज तो हम नबी अलैहिस्सलाम की बख्शिश का सहारा लिए दुनिया में जी रहे हैं, अपने आमाल को बेहतर कर लीजिए ताकि क़यामत के दिन हम शर्मिंदा होने से बच जाएं। नबी अलैहिस्सलाम की रहमतुल्लिल आलमीन से फायदा उठाने वाले बन जाएं। अजीज सामईन हमारे गुनाह जितने भी ज्यादा हो जाए परवरदिगार आलम की रहमत से नहीं बढ़ सकते, परवरदिगार आलम उनकी ज़ात है। कब मेरा बंदा मेरे दर पे आ चुके मुझसे मांगे मैं उसको अता करूं। एक वाक्य बात मुकम्मल करता हूं।